नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू। मैं फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट टिप्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके मुंह से दुर्गंध आती है, अगर आपके मुंह से खाना खाने के बाद या फिर सारा दिन दुर्गंध आती रहती है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। ये दोस्तों एक बीमारी ही होती है और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि केवल हमारे मुंह से ही दुर्गंध आती है, हम कोलगेट वगैरह कम करते हैं इस वजह से। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में होता क्या है कि वो हमारे पेट से ही दुर्गंध आती है, क्योंकि हमारी पाचन शक्ति अच्छी नहीं होती है, इस वजह से हमारे अंदर से दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। और वो हमारे मुंह से नहीं आती, वो हमारे पेट से स्टार्ट होती है, तब हमारे मुंह से आनी शुरू होती है, जो हमको फील होती है कि हमारे मुंह से दुर्गंध आ रही है। दोस्तों इस बीमारी को आप हमेशा के लिए कैसे ठीक कर सकते हो, बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीका मैं आपको बताऊंगा। 1% भी इस नुस्खे का साइड इफेक्ट नहीं है और आपके मुंह से दुर्गंध आना बिल्कुल बंद हो जाएगी और इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट होंगे अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करते हो तो। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए घंटी के निशान को ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। दोस्तों हम बात कर रहे थे अगर आपके मुंह से दुर्गंध आती है तो आप उस बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले बताया कि हमारे मुंह से दुर्गंध नहीं आती, हमारे पेट से स्टार्ट होती है, यानी कि हमारी पेट के अंदर कुछ गड़बड़ है, या तो एसिडिटी है या फिर हमारी पाचन शक्ति अच्छी नहीं है, हमको जो खाना खाते हैं वो अच्छी तरह से नहीं पच रहा है, इस वजह से हमारे अंदर से वो दुर्गंध स्टार्ट हो गया, हमारे मुंह के द्वारा बाहर निकलती है, जैसा कि हमको फील होता है कि हमारे मुंह से दुर्गंध आती है। वो दोस्तों हम जब 4-5 लोगों के अंदर बैठे हो तो बहुत भद्दा फील होता है हमको कि हमारे मुंह से ऐसी बुरी दुर्गंध आ रही है। तो दोस्तों इसका इलाज क्या है, इसका इलाज बिल्कुल छोटा सा। दोस्तों आपको करना क्या होगा, नित्य जब आप खाना खाते हो तो सुबह शाम खाना खाने के तुरंत बाद आप कुल्ला करने के बाद 2 या 3 या फिर एक जैसे 1 या फिर 2 लोंग अपने मुंह के अंदर रख लीजिए और उसको थोड़ा सा चबा लीजिए और उसका रस आप अपने अंदर जाने दीजिए, अपने अंदर रस जरूर जाने देना। दोस्तों ये नहीं है कि वो लोंग आपके मुंह में रखती है आपके मुंह की दुर्गंध खत्म होगी, वो थोड़ी देर बाद फिर आना शुरू हो जाएगी, तो आपने उस रस को अंदर जाने देना है। ऐसा आप लगातार 10 से 15 दिन तक कीजिए। दोस्तों आपकी जो लौंग का जो रस है आपकी लार के अंदर जब जाएगा तो हमारी दुर्गंध को खत्म करेगा और हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाएगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाएगी और अगर हमारी ये पेट की समस्या खत्म होगी तो हमारे जो मुंह से दुर्गंध आना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। हमको दोस्तों इलायची का भी सेवन कर सकते हो, दिन में आप अपनी जेब में थोड़ी सी इलायची रखिए, दिन में जो भी आप कुछ खाते तो एक या दो इलायची आप अपने मुंह के अंदर फाग लीजिए, उसको अच्छी तरह से चबाकर निगल जाइए, बाहर नहीं फेंकना है, या फिर आप सौंफ भी खा सकते हो थोड़ी सी चीनी मिलाकर। और दोस्तों आपको सुबह शाम या फिर सुबह एक टाइम आपको करना क्या होगा, उठने के बाद जब आप दातुन कुल्ला करते हैं तो दातुन कुल्ला करने के बाद 1 गिलास पानी के अंदर आप 1 नींबू निचोड़ लीजिए और नींबू निचोड़ने के बाद उस पानी के आप गरारे कीजिए, कुल्ला कीजिए उस पानी का, और ऐसा आप 1 से 2 सप्ताह तक कीजिए। इससे भी दोस्तों आपकी जो अंदरूनी बीमारी है यानी कि जो अंदर की बीमारी है दुर्गंध आने की वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपके मुंह से कभी भी दुर्गंध नहीं आएगी, आपका गला भी ठीक होगा और आपकी पाचन शक्ति भी मजबूत होगी, आपको कभी भी कब्ज की समस्या भी नहीं होगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो दोस्तों आज का यहीं तक था, वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि किसी जरूरतमंद व्यक्ति तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए, और अगर आपके कुछ माइंड में चल रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका 100% आपको जवाब दूंगा। अभी तक भी दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब है उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए फ्रेश नुस्खे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।